हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास तक हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था और इंटीग्रेशन में हम पहुंच गए थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तक। वहाँ हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, थ्योरम डिस्कस किए थे और एक शॉर्टकट डिस्कस किया था हमने, जिससे कि सिंपल जहाँ इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत है उसको हम स्किप करें और हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँच जाएँ। तो आज हम इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद करेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहा जाता है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन? सो इन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वी सॉ दैट जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था दैट वॉज नॉट क्लियर, दैट वॉज नॉट डेफिनिट। नाउ डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको उसी स्टेज पे लेके जाता हूँ जहाँ से हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू किया। लाइक कोई फंक्शन है y इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस के, इसका डेरिवेटिव है मान लीजिए y इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, के का तो डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। इससे आप डी वाई को लिख सकते हो एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद आपने सीखा कि आप इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन वापस पा सकते हो। डेफिनिट इंटीग्रेशन में मुद्दा यहाँ नहीं रुकता। डेफिनिट इंटीग्रेशन में व्हाट वी नीड टू डू इज हम इसको दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट। यहाँ हम एक्स का लिमिट लिखते हैं, यहाँ हम वाई का लिमिट लिखते हैं। माइंड इट, जो नीचे लिखा जा रहा है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस लिमिट का मतलब क्या है, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू का चेंज देख रहे हैं फ्रॉम x1 टू x2, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y निकालना। द सिंपल मीनिंग इज यू नीड टू फाइंड y2 माइनस y1, ठीक है? यानी यू वॉन्ट टू फाइंड द चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग फ्रॉम x1 टू x2, राइट? इट इज चेंज इन y एज x चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2। नाउ लर्न इट मैथमेटिकली, इसको जरा मैथमेटिकली समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो मैथमेटिकली समझने के लिए आप देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन डी वाई का है, ऑब्वियसली वो वाई आएगा। वो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी वाई मतलब वन डी वाई, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई प्लस सी। अच्छा, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो सी वन सी टू कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? या सी रहने दीजिए, वह तो वाई का फंक्शन, सॉरी। सो वाई इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स हमने लिखा था, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सो अल्टीमेटली अगर हम मैथमेटिकली देखें तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx होगा थ्रू फार्मूला। अच्छा, लिमिट कहता है कि आप इसको इसके अंदर वो दोनों लिमिटिंग वैल्यूज डालिए जो आपने लिमिट्स में लिखा है। मतलब पहले इसमें x2 डालना है पूरे फंक्शन में, फिर x1 डालना, दोनों वैल्यूज को माइनस कर देना है। सेम हियर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग y2 प्लस c माइनस y1 प्लस c, और राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है एफ एक्स टू प्लस सी माइनस एफ एक्स वन प्लस सी। करेक्ट? सो ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जो हमें नहीं पता था ये गॉन हो गया यहाँ पे, बिकॉज आइदर वी नो इट और वी डोंट नो इट, ये तो कट जा रहा है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज वाई टू माइनस वाई वन। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि इंटीग्रेशन करना मतलब आप y का चेंज निकाल रहे हो करस्पॉन्डिंग चेंज इन x, एज x इज चेंजिंग फ्रॉम x1 टू x2 यू आर इवेल्युएटिंग द चेंज इन y एंड दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो ना, fx2 माइनस fx1 कैपिटल आ रहा है। fx2 का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ fx2? इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू x2, एंड व्हाट इज fx1? इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू x1। ऑब्वियसली k विल बी देयर बट k इज गेटिंग कैंसल्ड, ठीक है? तो ये मतलब है इसका। तो लिमिट एग्जीक्यूट करना केवल आपको सीखना है और कुछ नई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आपको केवल लिमिट को एग्जीक्यूट करने सीखना है। तो एक एग्जांपल से करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और लिमिट को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। तो
तो जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 4x³ + 3x² + 2x + 1, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है और वैल्यू डालनी है हमें -1 से +1 के बीच में, इसको इंटीग्रेट करना है। सो कम टू द इंटीग्रेशन, फर्स्ट 4 विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन और x की पावर 3 की इंटीग्रेशन होगी x^4/4 प्लस 3 × x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस 2 × x का इंटीग्रेशन होगा x² / 2 और 1 का इंटीग्रेशन विल बी सिंपली x एंड वी नीड टू पुट द लिमिट। तो ये तो पहले देखिए कट गया हमारा सारा, अब इसमें आप 1 डालिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर 4 + 1 की पावर 3 + 1 की पावर 2 + 1। अब आप इसमें -1 डालिए, सो विल गेट -1 की पावर 4 + -1 की पावर 3 + -1 की पावर 2 + -1। अब आप गौर से देखें, -1 की पावर 3 = -1 एंड दिस इज +1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसी तरह ये 1 है और ये -1 है, तो जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है पूरा का पूरा वो हो जा रहा है 0। ठीक है, तो आपके पास बच क्या रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड ब्रैकेट में है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ ऑब्वियसली 4। सो द आंसर वी आर गेटिंग इज 4, करेक्ट। इन द सिमिलर वे वन मोर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to π/2। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इट इज -cos x बट वी हैव साइन 2x। तो मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में आपको, कि जो भी कोफिशियंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर दीजिए। अब रहा इसमें लिमिट पुट करने का सवाल, देखिए कांस्टेंट में तो लिमिट नहीं पुट करेंगे ना, अगर कांस्टेंट आप अंदर भी रखेंगे तो लिमिट में तो वो चेंज होने वाला नहीं, तो उसको बाहर ही रखिए आप, आपको लिमिट डालना है केवल वेरिएबल में। अब आप इसमें लिमिट डालिए, -1/2 बाहर वेट कर रहा है, पहले यहाँ पे हम डालेंगे cos 2 × π/2 और फिर हम डालेंगे cos 0। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर हैविंग -half cos π - cos 0। Now what is cos pi? Cos pi is -1 and cos 0 is also -1. Means it's 1. Minus is in the brackets with formula. So this -1 is executed. So ultimately we are getting what? We are getting 1. ठीक है? तो ये हमारा आंसर है, देखिए। तो इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। Now after definite integration, we must know that what is the graphical meaning of integration. So let's discuss graphical meaning of definite integration. Graphical meaning of definite integration is what we are doing now. तो graphical meaning समझने के लिए सबसे पहले graph समझिए। तो मान लीजिए कि ये दो एक्सिस हो गए और आपको एक ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन स्मॉल एफ एक्स एंड एक्स। व्हाट इज स्मॉल एफ एक्स? आप इस ग्राफ को एक इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम x1 to x2। एक्चुअली ये आपके दिमाग में है जिसको आपको इवेल्युएट करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो ये जो स्मॉल एफ एक्स है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, राइट। तो ये जो टर्म है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं हिंदी में समझिए, और x है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, राइट, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स क्या है? विच इज़ इंटीग्रेटेड, है ना। एंड एक्स क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग,
तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी वेरिएबल को रखना है आपको एक्स एक्सिस पे, और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसको रखना है वाई एक्सिस पे। इन दोनों के बीच का ग्राफ आपको पता होना चाहिए अगर आप इसको ग्राफिकली इवेल्युएट करना चाहते हैं तो। अब मान लीजिए ग्राफ कुछ यूँ बना हुआ, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने जोश जोश में, तो उसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए ये मान लीजिए ग्राफ बना हुआ, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई मतलब स्मॉल एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो रिटन, या सो वी आर हैविंग एक्स हियर एंड करस्पॉन्डिंग टू एक्स द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफ एक्स से फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एफ एक्स। Now, this is a small change in x. The x is changing from x to x plus dx. तो ये इतना छोटा जो चेंज है इसमें y की वैल्यू का जो चेंज होगा, सॉरी स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू का जो चेंज होगा वो कंसिडरेबली स्मॉल होगा इफ़ वी या इफ अगर हम x को बहुत स्मॉल चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन एफ एक्स जो होगा, dx का मतलब क्या होता है, वेरी एलिमेंटल चेंज, तो बहुत ज़्यादा y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बताएं कि ये जो स्ट्रिप यहाँ बनता है इसको आप गौर से देखिए, है ना, इस स्ट्रिप को गौर से देखिए। नाउ टेल मी, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे, मैं स्ट्रिप की एरिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं तो इसका एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ व्हाट इज़ द लेंथ इज एफ एक्स एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ इज डी एक्स, इज़न्ट इट, सो द एरिया इज एफ एक्स इनटू डी एक्स, ठीक है। द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप that is dA, small area, is fx into dx, और हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ेंगे राइट फ्रॉम द लिमिट ऑफ x इक्वल टू x1 टू द लिमिट ऑफ x इक्वल टू x2, ठीक है, x इक्वल टू x1 से शुरू करके x इक्वल टू x2 तक हम इस तरह के जितने भी स्ट्रिप्स होंगे उनका एरिया जोड़ेंगे, और ये बहुत ही स्मॉल चौड़ाई के स्ट्रिप्स होंगे। तो ये जो ऊपर का एरिया बचता है ये वाला हिस्सा, ये जो पतला सा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, जब ये dx आपकी इमेजिनेशन से भी छोटा होगा तो ये एरिया बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, इसका रहना या ना रहना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, अगर हम इस दोनों के बीच में जितने भी स्ट्रिप्स हमारे बनते हैं उन सभी स्ट्रिप्स का अगर हम एरिया जोड़ने लगे हैं तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, बताइए, ये सारा एरिया हम जोड़ रहे हैं। आप यही समझ लीजिए कि जो ये नीली लाइंस में खींच रहा हूँ ये पतले पतले स्ट्रिप्स, आप छोड़िए सोचिए कि इसके ऊपर कितना छोटा सा एरिया होगा जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमने तो वहाँ डायग्राम में आपको समझाने के लिए डी एक्स दिखाया तो हमने काफ़ी चौड़ा दिखा दिया, बट इनफैक्ट ये डी एक्स जो है वो आपकी इमेजिनेशन से भी पतला है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज हम एक्स वन से एक्स टू तक जोड़ रहे हैं, सो अल्टीमेटली वॉट वी आर गेटिंग इज एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वाई इक्वल टू, सॉरी मैं बार बार वाई दिख रहा हूँ, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, ओके लेट मी राइट इट हियर, सो एफ एक्स डी एक्स integrated from x1 to x2 can also be written as area enclosed between fx versus x graph comma x equal to x1 comma x equal to x2 and
एक्स एक्सिस, माइंड इट, एक्स एक्सिस इज द वेरिएबल एक्सिस जिस पे आप वेरिएबल को प्लॉट कर रहे हैं. दिस इज द कर्व, दिस इज एक्स इक्वल टू एक्स वन, दिस इज एक्स इक्वल टू एक्स टू एंड दिस इज एक्स एक्सिस. इन चारों के बीच जितना एरिया इंक्लोज हो जाएगा वही आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा. आइए इस बात को जरा मैथमेटिकली समझते हैं. तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. एग्जाम्पल हम लेंगे. तो इस एग्जाम्पल को देखिए आप. तो यहां पे लिख दिया हमने, मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स, यहां पे हमने लिख दिया एक्स, ये हमने बना दिया है ग्राफ. ओके, नो, नाउ इट्स ओके. ठीक है, नाउ दिस इज टू, दिस इज अगेन से फॉर एग्जांपल टू, दिस इज फोर एंड दिस इज सिक्स एंड दिस इज माइनस वन. Now, we need to find integration of fx dx from 0 to 6. So, what will be the answer? तो हमें चाहिए ग्राफ के बीच का एरिया. x equal to 0 से लेके x equal to 6 तक अगर आप दो लाइन्स खींचे अनासी के, मतलब इसके बीच में लिमिट जो भी बन गया आपका, और x एक्सिस के बीच का एरिया, तो ये वाला एरिया हुआ प्लस ये वाला एरिया हुआ. इज इट नॉट? आपको इन दोनों एरिया को निकालना है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है. अगर आपको एक एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है और एक एरिया एक्स एक्सिस के नीचे मिलता है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एरिया वन माइनस मॉड्यूलस ऑफ एरिया टू, विच इज हाफ इंटू टू इंटू फोर, दैट्स फोर, एंड हाफ इंटू टू इंटू वन, दैट्स वन. सो द आंसर इज थ्री. ये ऊपर वाले एरिया का मैग्नीट्यूड जो है वो चार होता है, और नीचे वाले एरिया का मैग्नीट्यूड हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से वन होता है. इसको माइनस करेंगे आप. तो ये देखिए, ये है आपका इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग. ठीक है, तो आज आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका ग्राफिकल मीनिंग सीखा. अब हम तैयार हैं कि हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सके क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन हम अगली क्लास में शुरू करेंगे. हम आज नहीं शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो क्वेश्चंस और करेंगे क्लास एंड करने से पहले, जिससे हमें थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व की प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखिए आप. So I'm doing again one example from the graphical meaning. No, I'm not satisfied. Now it's kind of okay. Now, this is fx, this is x, this is b, this is a, this is 2a, let it be 2b, and this is 3a, and this is b. तो ये कुल मिला के कहानी है. देखिए, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे. अच्छा,
ये देखिए, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि इंटीग्रेशन निकालना है, एंड यू नीड टू इंटीग्रेट एंड फाइंड एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 3a. अगेन सेम क्वेश्चन आपको लगेगा, मैं ये करा क्यों रहा है इसलिए समझिए. अगर आपको ये सेमी सर्कुलर दिखता है तब भी पाई आर स्क्वायर मत यूज़ कीजिएगा. देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हम एरिया निकालें, और एरिया निकालते समय हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, बेस इंटू अल्टीट्यूड करते हैं, ठीक है. एरिया निकालते हैं तो हम दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ उन डायमेंशंस का मतलब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक वाई एक्सिस पे दिखलाया जा रहा है और एक एक्स एक्सिस पे. तो अगर ये सर्कुलर है भी, अव्वल तो ये है नहीं, लेकिन अगर सर्कुलर होगा भी तो आप इसको पाई आर स्क्वायर बाई टू ना लिखिए, ठीक है. आपको इसको एलिप्स के फॉर्मूले से करना है. एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है. जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि अगर ये एलिप्स है तो एलिप्स का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो सर्किल जैसा होता है बट सर्किल नहीं होता. ये है बी, ये है ए, इसको कहते हैं बड़े वाले को सेमी मेजर एक्सिस और इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस. तो एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी. तो आपको एलिप्स के फॉर्मूले से करना है, ऊपर वाले एरिया को इवेल्युएट करना है, नीचे वाले एरिया को इवेल्युएट करना है और माइनस करना है. नाउ टेल मी व्हाट इज़ ऊपर वाला एरिया. तो ऊपर वाला एरिया हाफ एलिप्स है और सेमी मेजर एक्सिस जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ए है. तो पहले तो मैंने हाफ लगा दिया, फिर मैं एलिप्स का एरिया लिखूंगा. एक तरफ का मुझे ए मिल रहा है और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो मुझे मिल रहा है 2b. एम आई करेक्ट? दिस इज 2b, दिस इज ए, ठीक है. और नीचे वाला जो एलिप्स है उसका मुझे मिलेगा, अगेन मैंने हाफ लिख दिया पहले, अब उसका मुझे ये मिल रहा है a बाई टू, और उसका जो सेमी माइनर मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है b, ठीक है. तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 2 कट गया उधर, तो पाई ए बी मिलता है और यहाँ मिलता है पाई बाई 4 ab. नहीं, तो मेरा आंसर आएगा 3/4 ab. इज इट क्लियर? सो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करके एरिया निकालते हैं. अब चूंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को फिजिक्स के क्वेश्चंस में हमें रियलाइज करना है, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक. तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस टीचिंग से कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, इनको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो सीरीज़ बाई सीरीज़ हम जो बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं, जो कंटेंट क्लासरूम में बहुत सारा पैसा खर्च करके आपको मिलता है, उसको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में एज़ वेल एज़ स्कूल एग्ज़ाम में. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.